पहले देखने के लिए, देखो सनसेट होने वाला है। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस अभी मैं हूँ कन्याकुमारी में, और आज दोपहर के 1 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया था। और पहुँच के मैंने ना एक यहाँ पर आश्रम लिया है, बस आश्रम में ना मुझे कमरा नहीं मिला है। तो रिक्वेस्ट करने से ना एक कमरा मुझे दिया है, लेकिन ये वाला कमरा 54 है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आज बाहर ही यहीं पर मैं अपना टेंट लगा के सोऊंगा, क्योंकि मैंने पंडित जी से बात कर लिया है, बोला यहाँ पर बाहर जाके सो जाओ। दो दिन हुआ मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं 26 तारीख को निकला था वहाँ से रामेश्वरम से, और 26-27 क्योंकि बहुत दिक्कत हुई चार्ज करने, मोबाइल एक ही है ना, चार्ज करने भी मुझे नहीं मिला। प्लस कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पर, 27 तारीख को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और मैं पूरा भीग गया था। टेंट लगाया था मैंने पेट्रोल पम्प में, पूरा भीग गया था, मोबाइल सवाल चार्ज नहीं, मतलब काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दिक्कत हुई मुझे। तो इसलिए मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बनाने का मूड ही नहीं था। तो अब यहाँ पर पहुँचा हूँ, फ्रेश व्रेश हो गया और खाना वाना खाया हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल अभी रेडी हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी ये कहाँ जाऊँ सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर ना कन्याकुमारी में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सनराइज़ और सनसेट देखने का बहुत ही अच्छा पॉइंट है कन्याकुमारी में। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं सनसेट सनराइज़ देखने के लिए। यहाँ पर ना खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ पर कन्याकुमारी जो है हमारे भारत के साउथ के सबसे लास्ट पॉइंट हुआ, वहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर 3 समुंदर वहाँ पर मिलता भी है, अरवन सी, बे बंगल और इंडियन ओशन, ये 3 समुद्र का संगम भी है। तो वहाँ पर ना जो सनसेट का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आज अभी मैं वो सोच रहा हूँ वहीं जाके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से निकलते हैं आश्रम से और सीधा चलते हैं वहाँ पर सनसेट आपको दिखाने के लिए। जिस तरह का खूबसूरत नज़ारा है, ये है ये वाला रेड कलर का आश्रम है, और बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा है। बस सन तो सेट होने वाले हैं, फटाफट चलते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ से लगभग ना 2 या 3 किलोमीटर का दूरी होगा, चलते हैं वहाँ। तो गाइस ये है अपना आश्रम, भारत सेवाश्रम संगा, भारत सेवा आश्रम संगा। तो भाई कुछ इस तरह का अभी यहाँ पर कन्याकुमारी में, तो यहाँ से ना 1 किलोमीटर में आपको बीच मिल जाएगा, 1 या 2 किलोमीटर में सनसेट। कितने रुपये लोगे? अकेला आदमी हूँ। हाँ बोला बोला जल्दी बोला, अभी डूबने वाला होगा सन। एक आदमी यानी 100 रुपया भैया। 50 रुपये ले लो आप मुझे, और भी बैठा लेना। बचत नहीं भैया, 8 रुपया नहीं भैया। तो देख सकते हैं यार बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बस तो है नहीं, ऑटो में जाना पड़ेगा, और ऑटो में भी बताओ 100 रुपये लेगा, क्योंकि अकेला आदमी ना 4-5 आदमी उधर पाता। तो बस यही है मेन जगह कन्याकुमारी का, और इस तरफ है सनसेट पॉइंट। इधर चलते हैं पहले देखने के लिए, देखो सनसेट होने वाला है भाई, कुछ इस तरह का नज़ारा है देखो यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ आ गया हूँ, सनसेट व्यू, ये वाला है टावर, आगे टावर है, बड़ा सा टावर। सनसेट होने वाला है गाइस। Thank you.
सनसेट देख लिया और ये वाला व्यू टावर है यहीं पर जाके ऊपर से मैंने देखा था और बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली टाइम कम था तो इसलिए मैंने यहीं से देख लिया, क्योंकि सूर्य सनसेट होने जा रहा था तो मैंने यहीं से देखा। लेकिन सनसेट देखने का मेन पॉइंट आगे, थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, वहाँ पर मेन पॉइंट है, क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ पर समुंदर है और इधर ज़मीन है तो साइड में सूर्य सनसेट हो रहा था तो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर समुंदर का ना बीचों बराबर में अगर सनसेट होगा ना तो देखने का बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुंदर लगता और ज़्यादा अच्छा लगता। तो उस जगह पे जाता तो अच्छा लगता, सब टाइम नहीं मिला तो मैं गया नहीं।